उपराजधानी में प्रथम नागरिक मतलब महापौर सुरक्षित नहीं तो सामान्य व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा, ऐसा सवाल विपक्ष ने कर मंगलवार रात महापौर पर हुए जानलेवा हमले पर तंज कसा। तो वही विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस हमले की कड़ी जांच करने की सलाह सरकार को दी। नागपुर शीत सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विपक्ष ने सदन का कामकाज शुरू होने से पहले सीढ़ियों पर किसानों के मुद्दे को लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। 11 बजे विधानसभा का कामकाज शुरू होने के बाद अध्यक्ष नाना पटोले के आते ही विपक्ष ने मंगलवार रात को महापौर संदीप जोशी पर हुई गोलीबारी प्रकरण में कामकाज स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिवेशन के दौरान प्रथम नागरिक पर जानलेवा हमला होना यह सरकार की असफलता है, विषय गंभीर है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, और हंगामा शुरू किया। जिसके बाद अध्यक्ष ने 11:02 पर सदन का कामकाज 5 मिनट के लिए तहकुब किया, जिसके बाद 11:07 पर सदन का कामकाज शुरू किया गया। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने मंगलवार रात में महापौर के वाहन पर 2 अज्ञात बाइक सवार द्वारा गोलियां चलाकर किए गए जानलेवा हमले की जानकारी अध्यक्ष नाना पटोले को दी। साथ ही इस मामले को गंभीरता से लेकर सदन का कामकाज स्थगित करने की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ने इस प्रकरण की गंभीरता देखते हुए सरकार को जाँच करने के आदेश दिए और स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।